हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह और ये सेकंड Q&A है और इसके लिए भी मैं एक स्टोरी डाल चुका था इंस्टाग्राम पे। उसमें मुझे क्वेश्चंस आए कुछ जिसका मैं आंसर करने वाला हूँ। तो अगर आप एक नए व्यूअर हो और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही Q&A करता रहता हूँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो स्टार्ट करते हैं इस Q&A को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, कार्ब साइक्लिंग वर्सेज नॉर्मल कैलोरी कटिंग। अब कैलोरी कटिंग मतलब कैलोरी डेफिसिट और कार्ब साइक्लिंग अगर आप लोग को नहीं पता तो कार्ब साइक्लिंग का मतलब होता है देयर आर सर्टेन डेज जब हम थोड़े ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं एंड देयर आर सर्टेन डेज जब हम थोड़ा कम करते हैं बट हम अपनी ओवरऑल कैलोरी सेम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्ब साइक्लिंग। अब ये दोनों कार्ब साइक्लिंग और कैलोरी डेफिसिट मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कंपैरेबल है, दोनों ही एकदम ही अलग चीज है। तो अगर फिर भी अगर आप पूछना चाह रहे हो कि फैट लॉस के लिए विच इज बेटर कार्ब साइक्लिंग या फिर कैलोरी डेफिसिट, तो हमेशा कहूंगा कि कैलोरी डेफिसिट इज बेटर। लेकिन कार्ब साइक्लिंग मैं कहूंगा कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में हो, आपके लास्ट 2 वीक्स हैं कैलोरी डेफिसिट में, तो तब अगर आप कार्ब साइक्लिंग करते हो तो इट्स बेटर। नहीं तो ऐसे देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कार्ब साइक्लिंग एंड कैलोरी डेफिसिट, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट टूल फॉर हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट गोल्स। तो मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, बट फिर भी यही है, अगर आपको फैट लूज करना है गो ऑन अ डेफिसिट, और कार्ब साइक्लिंग इज अ टूल दैट यू कैन यूज व्हाइल यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, स्पेशली अपने लास्ट वीक्स में। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आर्जिनिन वर्सेस सिट्रुलिन मैलेट। अब एज अ प्री वर्कआउट हम यूज करते हैं आर्जिनिन और सिट्रुलिन मैलेट को। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आर्जिनिन और सिट्रुलिन मैलेट दोनों ही एक तरह से पंप को एनहांस करते हैं जब हम वर्कआउट करते हैं तो जिम में। सिट्रुलिन मैलेट और आर्जिनिन दोनों ही सेम होते हैं। एक्चुअली जो सिट्रुलिन मैलेट होता है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है और फिर आर्जिनिन NO में कन्वर्ट होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है आई गेस। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए रहता है। जब भी आपकी ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है तो वो आपके ब्लड वेसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देता है, तो आपके ब्लड वेसल्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उससे आपको बेटर पंप आता है और जो भी बेटर पंप की वजह से होता है वो इफेक्ट्स होते हैं। सो कौन सा बेटर रहेगा? मैं कहूँगा कि सिट्रुलिन मैलेट, बिकॉज जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसको बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो अगर आप खूब सारा नाइट्रिक ऑक्साइड भी लेते हो तो आपके ब्लड वेसल में बहुत कम नाइट्रिक ऑक्साइड पहुंच पाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिट्रुलिन मैलेट लेते हो तो ये आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है और वो पूरा का पूरा आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद वो आर्जिनिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो NO में कन्वर्ट हो जाता है विच इज नाइट्रिक ऑक्साइड। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्जिनिन इज बैड, मैं बस ये बोल रहा हूँ टू गेट द सेम इफेक्ट एज सिट्रुलिन मैलेट आपको आर्जिनिन थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए आई विल ऑलवेज प्रेफर सिट्रुलिन मैलेट ओवर आर्जिनिन। और सेकेंडली एक चीज और, हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्पेसिफिकली मुझे उन एंजाइम्स का नाम नहीं पता, बट वो आर्जिनिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो आपकी बॉडी एक तो वैसे ही थोड़ा सा आर्जिनिन को एब्जॉर्ब करती है, कुछ जो आपके इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं आर्जिनिन को, तो ले देके आपको काफी कम आर्जिनिन मिलता है अपने ब्लड स्ट्रीम में। इसीलिए मैं हमेशा सिट्रुलिन मैलेट को चूज करूंगा। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स सिट्रुलिन मैलेट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज योर फेवरेट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप एंड बाइसेप। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप अगर आप लोग को नहीं पता है तो जो पीछे वाला पोर्शन होता है ट्राइसेप का, इसमें दिखेगा नहीं, जो ट्राइसेप का पीछे वाला पोर्शन होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, जब भी हम आपका हाथ को ऐसे रखते हैं जो नीचे एक स्वीप आता है ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग हेड। सो बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग हेड ऑफ योर ट्राइसेप अकॉर्डिंग टू मी इज ओवर हेड केबल एक्सटेंशन। लोग डंबल से भी करते हैं बट मैं डंबल से उतना प्रेफर नहीं करता, अगर आप केबल से करते हो तो इट्स बेटर, क्योंकि देयर इज लाइक कांस्टेंट टेंशन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन विच इज वेरी हाइपरट्रोफिक। सेकेंडली बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप आई विल अगेन से कोई सा केबल मूवमेंट, इट कुड बी केबल कर्ल या फिर सिंगल आर्म केबल कर्ल, या फिर आप आई रियली लाइक वन एक्सरसाइज लेकिन मैं कर नहीं पाता अपने जिम में बिकॉज ऑफ सेटअप, काफी सेटअप करना पड़ता है, इट्स प्रीचर कर्ल विथ केबल्स। अगर आप केबल से प्रीचर कर्ल्स कर सकते हो अपने जिम में तो प्लीज गो फॉर इट, इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इफ नॉट दी बेस्ट एक्सरसाइज। बेसिकली आपको ऐसा कुछ चाहिए जिसके अगेंस्ट आप अपने एल्बो को ब्रेस कर सको, सो दैट देयर इज मिनिमल फॉर्म ब्रेकडाउन और आपके हर एक रेप सिमिलर लाइक लगेंगे, सो इट्स इजी फॉर प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड स्टफ। सो आई गेस दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर मसल्स फैटीग हुई तब अगर प्रोटीन लेवल हिट नहीं किया तो क्या मसल्स ग्रो करेगी? बाय मसल्स फैटीग मैं गेस कर रहा हूँ कि आप बोलना चाह रहे हो मसल ब्रेकडाउन, और प्रोटीन लेवल से आप बोलना चाह रहे हो जो हमारा डेली प्रोटीन गोल होता है, रिक्वायरमेंट वो। तो अगर आप वर्कआउट करते हो और मसल ब्रेकडाउन करते हो और उसके बाद अगर आप सफिशिएंट प्रोटीन नहीं लेते जितना आपको खाना चाहिए तो क्या आपकी मसल्स ग्रो करेगी? यस करेगी। आप थोड़ा बहुत तो प्रोटीन खाओगे ना, तो उसी से जितना इफेक्ट आएगा मसल गेन पे उतना थोड़ा सा आएगा, बट आप मसल गेन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम प्रोटीन ज़्यादा नहीं खा रहे तो शायद हम मसल ग्रो नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, आप मसल फिर भी ग्रो करोगे अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोटीन लेते हो तो। बट बात ये होती है कि अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हो जितना आपको लेना चाहिए विच इज़ समवेयर अराउंड 1.8 to 2 ग्राम्स पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, अगर आप उतना नहीं खा रहे हो तो आप अपने मसल गेन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप उससे कम लेते हो आप मसल फिर भी ग्रो करोगे लेकिन काफी स्लो पेस में। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम वी हैव टू वेट फॉर आवर पोस्ट वर्कआउट मील इफ वी हैव कंज्यूम्ड आवर पोस्ट वर्कआउट शेक। एंड माय पोस्ट वर्कआउट शेक वे प्रोटीन अगर आपने कंज्यूम किया तो सो कितना वेट करना चाहिए बिफोर हैविंग योर पोस्ट वर्कआउट मील? आई से 2 hours इज अ गुड टाइम क्योंकि वे प्रोटीन 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। सो आफ्टर 2 hours यू कैन टेक योर पोस्ट वर्कआउट मील। हो सकता है अगर आपको उससे ज्यादा टाइम लेना तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट टाइमिंग उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, स्पेशली अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हो तो। आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल जितना दूर रहोगे उतना ही कम ये छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी। सो आई विल से कि उतना ज्यादा स्ट्रेस मत करो अबाउट न्यूट्रिएंट टाइमिंग, लेकिन फिर भी आई विल से वेट एटलीस्ट फॉर 2 hours बिफोर टेकिंग अ पोस्ट वर्कआउट मील। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पीआर और हाईएस्ट वेट यू लिफ्टेड ऑन बेंच, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट। काफी कॉमन क्वेश्चन है, बता देता हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक। मेरी इंजरी के पहले आई डिड दीज पीआर्स। सो बेंच पे मेरा पीआर था 100 kg फॉर 5 reps, दोज वर क्लीन reps without bouncing at the bottom. It was 155 kg for 1 single rep. I know मेरी स्क्वाट्स उतनी अच्छी नहीं है because मेरे लेग स्टार्टिंग से काफी लैगिंग थे क्योंकि मैं ट्रेन नहीं करता था। So there you go. Squat मेरा था 155 kg for 1 single rep और deadlift PR was 185 kg for 1 single rep. So आप लोगों को मेरा PR पता चल गया। Now you all can judge me. So next question is how to get hardness in body. I am doing gym since a year but I haven't got results. अगर आपको hardness चाहिए body में then you have to drop your body fat percentage क्योंकि हमारी जो muscles होती है वो hard ही होती है और जो ऊपर body का fat होता है वो थोड़ा क्वेश्चन जैसा होता है। सो इफ यू कैन लूज योर बॉडी फैट दैन यू विल प्रॉब्ली हैव हार्डनेस इन योर बॉडी। और सेकंड, अगर आपको मसल्स की हार्डनेस बढ़ानी है तो आपको मसल्स में वाटर रिटेंशन बनाना पड़ेगा। मसल अगर ज़्यादा वाटर रिटेन करेगी तो ज़्यादा हार्ड लगेगी देखने में। सो उसके लिए आप ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। सो स्टे हाइड्रेटेड। और सेकेंडली यू कैन स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिन बिकॉज क्रिएटिन भी इंट्रासेल्युलर वाटर को बढ़ाता है, स्टोर करता है। सो उससे आपकी स्ट्रेंथ में भी गेन होगा और मैं उस पर पूरा वीडियो बना चुका हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा क्रिएटिन के बारे में, आप जाके देख लेना। सो स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिन अगर आपको मसल हार्डनेस बढ़ानी है तो, एंड स्टार्ट लूजिंग फैट अगर आपको मसल हार्डनेस बढ़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड वी यूज आरपीई इन टर्म्स ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ? इट हैज बीन 2 years आई स्टार्टेड गोइंग जिम। अगर आपको सिर्फ 2 ही साल हुए हैं तो यू डोंट एक्चुअली नीड आरपीई। अब आरपीई अगर आपको नहीं पता तो आरपीई इज रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। ये एक स्केल होता है फ्रॉम 1 to 10। हम कोई भी सेट को परफॉर्म करने के बाद 1 to 10 स्केल में बताते हैं कि हाउ हार्ड दैट सेट वॉज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा वेट चूज करते हो जिससे आप सिर्फ 10 reps ही कर सकते हो, उसके बाद आप एक और रेप नहीं कर सकते। सो उसमें अगर आप 8 reps करते हो तो हम उसको कहेंगे कि दिस वाज लाइक आरपीई ऑफ 8, आई हैड 2 reps इन रिजर्व। सो आरपीई ट्रेनिंग इज ग्रेट अगर आप प्रोग्राम करते हो, अगर आप पीरियडाइज करते हो अपनी ट्रेनिंग को, अगर आप लॉग बुक करते हो, जो भी आपका जो प्रोग्रेशन रहता है अगर उसको रिकॉर्ड करते हो तो यू कैन यूज आरपीई देयर। इवन अगर आप आरपीई यूज नहीं भी करते हो ना, इट्स वेल एंड गुड। व्हाट आई विल से इज कि आप फेलियर तक ट्रेन करना सीखो बिकॉज एज अ बिगिनर, स्पेशली अगर आपको 2 साल हुए तो अभी अभी आप बिगिनर फेज से बाहर आए हो, आप एक अर्ली इंटरमीडिएट हो। इन माई कंसिडरेशन, इन माई एक्सपीरियंस, जिनको 2 साल होता है वो अर्ली इंटरमीडिएट्स होते हैं। सो आई विल से कि लर्न टू ट्रेन टिल फेलियर, नॉट फॉर मसल ग्रोथ या फिर हाइपरट्रॉफी बट टू लर्न हाउ इट एक्चुअली फील्स टू ट्रेन टू फेलियर। उसके बाद आप अगर, बिकॉज मैंने बहुत से लोग को देखा है, जब भी मैं लोगों को कहता हूँ कि कीप 1 rep इन रिजर्व तो वो कम से कम 8 से 9 rep रिजर्व में रखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन एक के साथ स्क्वाट कर रहा था, ही वॉज जस्ट अ रैंडम गाय और आई वॉज लाइक ओके लेट्स टेक दिस सेट टू अ फेलियर। उसने मुझसे पूछा था कितने रेप्स करने हैं, आई सेड कोई काउंट नहीं कर रहे हैं रेप्स, जस्ट पुश टू फेलियर। एंड उसने आई गेस 8 to 10 reps करे और रख दिया। उसका सेट देख के मुझे लगा था कि वो 5 से 6 इजीली और रेप्स कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ 8 ही reps करे एंड ही वाज लाइक ओके दैट वाज माय फेलियर। एंड दैट्स द थिंग, अगर आप इंटरमीडिएट हो, आपको 2 या 3 साल हुए हैं, देन यू शुड प्रॉबेबली लर्न हाउ टू ट्रेन टू फेलियर। जब आप फेलियर तक ट्रेन करना सीखोगे देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग आरपीई एंड रेप्स इन रिजर्व, आरआईआर एंड स्टफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिप्स टू लुक मोर एस्थेटिक एंड एक्सरसाइजेस टू फॉलो। टिप्स टू लुक मोर एस्थेटिक, अपनी बैक को वाइड करने पर थोड़ा ध्यान दो, अपने लैट्स को और अपने टेरीज को ट्रेन करो, अपने शोल्डर्स को ज़्यादा ट्रेन करो, अपने चेस्ट को ज़्यादा ट्रेन करो, अपने ट्राइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करो। दैट वुड बी माय पर्सनल ओपिनियन आई गेस, पर अपने ट्राइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करो और इससे होगा कि आप ऊपर से वाइड दिखोगे बिकॉज ऑफ योर शोल्डर एंड बिकॉज ऑफ योर लैट। अगर आपके ट्राइसेप्स बड़े हैं तो आपके आर्म्स भी थोड़े बड़े दिखेंगे साइड से। और सेकेंडली साथ में आपको अपने क्वाड्स को भी ट्रेन करना चाहिए ताकि क्वाड का जो आउटर स्वीप होता है ना, उसकी वजह से आपका फ्रेम पूरा एक एक्स फ्रेम जैसा दिखे। सो फॉर एस्थेटिक लुक दोज आर लाइक दी मसल्स ग्रुप यू शुड बी ट्रेनिंग। और हाँ, रिलेटिवली अगर आप लीन रहते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। अगर आप लीन हो, नो मैटर वॉट, कि आप ज़्यादा मस्कुलर रेगुलर हो कि नहीं हो, आप एस्थेटिक दिखोगे विदाउट क्लोथ्स। एंड व्हाट एक्सरसाइजेस टू फॉलो, सो डू अ लॉट ऑफ लैट पुल डाउन, डू अ लॉट ऑफ बेंच प्रेस, डू अ लॉट ऑफ लैटरल रेज वेरिएशन। एंड फॉर योर क्वाड्स आइल से अगर आपके जिम में हैक स्क्वाट है तो डू अ लॉट ऑफ हैक स्क्वाट। हैक स्क्वाट इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ दी बेस्ट एक्सरसाइज। और क्वाड्स के लिए एक और एक्सरसाइज होती है जो बहुत अच्छी होती है, बट आई डोंट थिंक इंडियन जिम्स में ये मशीन अवेलेबल होती है, विच इज पेंडुलम स्क्वाट। सो यस, दोज वर द एक्सरसाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन बॉडी रिकॉम्पोजिशन मेथड शुड बी एट मेंटेनेंस कैलोरी और इन अ स्लाइटली डेफिसिट। सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि आप अपने बॉडी से फैट भी लूज करते जाओ और साइमल्टेनियसली मसल भी गेन करते जाओ, तो वो आप मेंटेनेंस कैलोरी पे रह के भी कर सकते हो, इट्स ईजियर। आप डेफिसिट में भी रहकर कर सकते हो इफ यू आर अ बिगिनर, या फिर इफ यू आर समवन जो कि पहले ट्रेन किया करता था बिकॉज ऑफ मसल मेमोरी। आप सी, मैंने एक वीडियो बनाया कि क्या आप डेफिसिट में मसल गेन कर सकते हो, तो आप वो वीडियो देख लो। तो मैं कहूँगा कि आप डेफिसिट में रह के बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हो, बट इट इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट और सर्टन कैटेगरी के ही लोग सिर्फ इसको कर सकते हैं, तो वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन करा, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। बट इफ यू आर आस्किंग कि कहाँ पे यूज होना चाहिए, लाइक इफ यू वांट टू बॉडी रिकॉम्प, आई विल सजेस्ट कि आप मेंटेनेंस कैलोरी पे खाओ। सो आई गेस यहीं पे खत्म करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो जब मैं इंस्टा पे क्यू एन ए करूँगा तो आप वहाँ पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, मैं अपने नेक्स्ट Q&A वीडियो में आप लोग को आंसर कर दूंगा उस क्वेश्चन का। सो दैट बीइंग सेड, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।